आपने देखा कि लॉटरी मेथड से किस तरह की पंजी प्रविष्टियां की जाती हैं, कैसे इनके क्रियात्मक प्रश्न होते हैं। अगला एक जो मेथड है जिसके बारे में हमने जाना था वो है खुले बाजार में कंपनी द्वारा स्वयं ऋण पत्रों को क्रय कर लेना। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को खुले बाजार में स्वयं क्रय कर लेती है। जनरली ऐसा तब होता है जबकि उन ऋण पत्रों का अंकित मूल्य उनकी वैल्यू जो होती है वो उनके अंकित मूल्य से कम होती है, तो कंपनी स्वयं ही उन ऋण पत्रों को क्रय कर लेती है। देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि कंपनी ने स्वयं क्रय कर लिया, यानी अब उसका कोई ऋणी तो है नहीं, कोई लेनदार तो है नहीं, ऋण का भुगतान तो उसको करना नहीं है, तो ऑटोमेटिक ही मान लिया जाता है कि उन पत्रों का शोधन हो गया है। ऐसी कंडीशन में एक दशा और बनती है जबकि इनडायरेक्टली शोधन मान लिया जाता है, तो तत्काल उन ऋण पत्रों को रद्द भी कर दिया जाता है। अब ये जो दशाएं हैं जब इन ऋण पत्रों को रद्द कर दिया जाता है या फिर उनको निवेश के रूप में रखा जाता है फर्म में, इस कंडीशन में आइए देखते हैं कि कौन कौन से पंजी प्रविष्टियां की जाती हैं। ऋण पत्रों का खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन या प्रतिदान करने पर जो जनरल प्रविष्टि की जाएंगी वो इस प्रकार होंगी। पहली कंडीशन, जबकि खुले बाजार में ऋण पत्र तत्काल रद्द करने के लिए खरीदे जाते हैं, यहाँ प्रविष्टि की जाएगी तत्काल रद्द करने हेतु अपने ही ऋण पत्रों के क्रय करने पर डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डेबेंचर अकाउंट। यहाँ हम अमाउंट किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में जो अंकित मूल्य है, फेस वैल्यू जो है डिबेंचर्स की, उसको हम लिखेंगे, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो परचेस प्राइस हम लिखेंगे जिसमें हमने डिबेंचर खरीदे थे, और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी हमको रिडम्पशन पे प्रॉफिट हुआ है, वो डिफरेंस की जो अमाउंट है, प्रॉफिट की जो अमाउंट है, उसको हम इसमें लिखेंगे। इसमें सेकेंड कंडीशन बनती है शोधन पर लाभ का अंतरण करने पर, अगर रिडम्पशन करने पर प्रॉफिट हो रहा है और उसको हम लाभ का अगर हम अंतरण करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो इस कंडीशन में हमारी एंट्री होती है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और शोधन पर जो भी लाभ हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है रिडम्पशन पर, उसको हम इसके अंतर्गत लिखते हैं। दूसरी एक कंडीशन बनती है जबकि ऋण पत्र शोधन आरक्षिती खाते में लाभ का अंतरण किया जाए, तो इस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और इसके अंतर्गत हम उस राशि को लिखेंगे जो कि ऋण पत्रों के क्रय के समय जब हमने उनको परचेस किया था तो जो अमाउंट हमने चुकाई थी उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, जबकि हमने देखा था कि खुले बाजार में ऋण पत्र तत्काल रद्द करने के लिए खरीदे जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जब ऋण पत्र खुले बाजार में निवेश के उद्देश्य से खरीदे जाते हैं, तो जब ऋण पत्र खुले बाजार में निवेश के उद्देश्य से खरीदे जाते हैं तो पहली जो एंट्री हम करेंगे वो हमारी कंडीशन होगी कि जब अपने ही ऋण पत्र हम खरीदें, तो यहाँ पर एंट्री होगी अकाउंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो भी क्रय मूल्य होगा, जो परचेस की जो अमाउंट होगी जितने में हमने ऋण पत्रों को खरीदा है, उसके अमाउंट से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। दूसरी जो एंट्री हम करेंगे वो अपने ही ऋण पत्रों को रद्द करने की करेंगे, यानी कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर हम अमाउंट कौन से लिखेंगे, तो डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम फेस वैल्यू लिखेंगे, जो भी जितने भी ऋण पत्र खरीद रद्द किए गए हैं उनकी जो फेस वैल्यू है वो लिखेंगे हम। दूसरा जो हम एंट्री कर रहे हैं क्रेडिट साइड में टू ऑन डिबेंचर अकाउंट, इसमें हम उसकी कॉस्ट लिखेंगे, और तीसरा जो हमने क्रेडिट किया हुआ है टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसमें हम जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है उसकी एंट्री करेंगे। तीसरी एक कंडीशन बनती है जबकि रिडम्पशन पे प्रॉफिट जो होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट इसमें हम वही लिखेंगे जो कि शोधन पर लाभ करने से होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है वो है ऋण पत्र शोधन आरक्षिती खाते में लाभ का जब हम अंतरण करते हैं, तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और इस कंडीशन में जो अमाउंट हम लिखते हैं वो अमाउंट रहती है जो कि जब हमने ऋण पत्रों का क्रय किया, जब हमने उनको परचेस किया तो जो अमाउंट हमने पे की थी उसकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं।
कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को या तो नए अंशों में या नए ऋण पत्रों में संपरिवर्तित कर देती है। ऐसी दशा में ये जो ऋण पत्र होते हैं या तो नए अंश में परिवर्तित होते हैं या नए ऋण पत्र में परिवर्तित होते हैं, और इस कंडीशन में कंपनी को नए अंश या नए ऋण पत्र जारी करने होते हैं। हालांकि इसके संबंध में या निर्गमन के संबंध में कोई विशेष नियम फॉलो नहीं करते हैं हम, और ये सब मूल्य पर बट्टे पर प्रीमियम पर निर्गमित किए जा सकते हैं। लेकिन बट्टे वाली दशा एक ऐसी दशा बनती है जबकि कंपनी को कुछ निश्चित कुछ निर्धारित नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब बट्टे के साथ निर्गमित किए जाते हैं अंश या ऋण पत्र तो उस कंडीशन में क्या नया होता है और कौन से नियम फॉलो होते हैं और कौन कौन सी नई जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं। बट्टे पर निर्गमित किए गए ऋण पत्रों के अंशों में संपरिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित बिंदु ध्यान देने योग्य हैं। क, ऋण पत्रों की परिपक्वता के पूर्ण संपरिवर्तन की स्थिति में या तो ऋण पत्रों के निर्गमन के समय वास्तविक रूप से प्राप्त शुद्ध धनराशि अर्थात बट्टा घटाकर प्राप्त धनराशि बराबर कम पूर्णता प्रदत्त अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, या ऋण पत्रों के निर्गमन के समय वास्तविक रूप में प्राप्त शुद्ध धनराशि के अनुपातिक रूप में अधिक अंशता प्रदत्त अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह माना जाएगा कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दूसरा, ऋण पत्रों की परिपक्वता पर संपरिवर्तन की स्थिति में ऋण पत्रों को उनके अंकित मूल्य के आधार पर अंशों में संपरिवर्तित किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं माना जाता है। ऋण पत्रों का संपरिवर्तन द्वारा शोधन जब किया जाता है तो इसमें फर्स्ट कंडीशन में जबकि ऋण पत्रों के शोधन पर देय राशि का लेखा किया जाए तो उस कंडीशन में जब हम पंजी प्रविष्टि करते हैं तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि ऐसे ऋण पत्र जो मूलतः बट्टे पर निर्गमित किए गए थे और सब मूल्य पर शोध थे, इनकी परिपक्वता यानी इनकी मैच्योरिटी के पूर्व जो अंशों में संपरिवर्तन की स्थिति जो रहती है उसकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ हमारी एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब अमाउंट किस प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में जो भी अभी तक हम इसके जो रिडेम्पशन हमारे शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है उसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद फिर डिस्काउंट अकाउंट जो हमने यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया है उसमें हम डिस्काउंट के जो अमाउंट है वो लिखते हैं, और फिर जो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट हमने लिखा है उसमें जो भी शुद्ध देय राशि होती है डिबेंचर होल्डर्स को उसकी एंट्री हम करते हैं। सेकेंड कंडीशन में ऐसे ऋण पत्र जो डिस्काउंट पर निर्गमित किए गए थे लेकिन उनका शोधन प्रीमियम पर होता है, और ये भी ध्यान रखना है कि परिपक्वता के पूर्व अंशों में संपरिवर्तन की स्थिति क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर एंट्री करनी है। ये एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अमाउंट हमको कौन कौन सी लिखनी है, डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम जो इसकी नॉमिनल वैल्यू होगी अंकित मूल्य जो होगा वो हम लिखेंगे, डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में जो प्रीमियम की देय राशि होगी अमाउंट वो हम लिखेंगे, उसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जब भी हमने निर्गमन जब किया तो उस पे जो हानि हुई लॉस जो हुआ उसकी अमाउंट हम लिखेंगे, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट में जो भी नेट अमाउंट बचती है शुद्ध देय राशि जो बचती है जो कि हमको ऋण पत्र धारियों को देना है उसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड कंडीशन, जबकि ऋण पत्रों के शोधन के अन्य स्थितियों में अन्य कई स्थितियां बनेंगी जिसमें पंजी प्रविष्टि की जाएंगी, यहाँ पर एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब यहाँ पर हमको अमाउंट लिखते समय ध्यान रखना है कि डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में तो हमको फेस वैल्यू जो नॉमिनल वैल्यू इसकी होती है अंकित मूल्य वही हमको लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी शोधन पर जो देय प्रीमियम है वो हमको लिखना है, और तीसरी जो एंट्री हमको यहाँ पर लिखनी है वो होगी टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो शोधन पे जो भी
डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको रिडेम्पशन पे जो अमाउंट हमको पे करनी है वो अमाउंट हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, जबकि ऋण पत्रों के शोधन पर देय राशि का लेखा करना हो, और सेकंड कंडीशन जबकि नए अंश ऋण पत्रों के निर्गमन का लेखा करना हो, तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन बनती है, फर्स्ट पॉइंट जो बनता है वो होगा कि यदि नए अंश या ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए जाएं, तो यहाँ हमारी एंट्री होगी डेबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू डेबेंचर अकाउंट, या फिर अगर शेयर है तो हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबेंचर है तो हम लिखेंगे न्यू डेबेंचर अकाउंट। अमाउंट हम किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर, तो डेबेंचर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो डेबेंचर होल्डर्स को दे होती है अभी तक ड्यू हुई है, और क्रेडिट में फिर हम वो अमाउंट लिखेंगे जो उनकी फेस वैल्यू है, यानी जो फेस वैल्यू जितने का हम खरीदे रहते हैं उतनी ही अमाउंट उनको दे होती है, तो दोनों ही समान जो अमाउंट होगी वो डेबिट और क्रेडिट में आएगी। दूसरी कंडीशन, जबकि नए अंश या फिर ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर एंट्री करेंगे डेबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर टू न्यू डेबेंचर अकाउंट। सेकेंड, क्योंकि प्रीमियम भी है यहाँ पर, तो एक और यहाँ पर जुड़ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फिर टू डेबेंचर प्रीमियम अकाउंट। यहाँ हम अमाउंट किस प्रकार लिखेंगे, तो डेबेंचर होल्डर अकाउंट के डेबिट में जो भी डेबेंचर होल्डर को दे राशि है वो हम लिखेंगे, जिसमें उनका जो फेस वैल्यू है वो और साथ में प्रीमियम भी शामिल होगा। दूसरा, जो हम क्रेडिट में लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, या फिर अगर डेबेंचर क्रेडिट हो रहा है तो वहां पर जो भी उनका मूल्य है जितने पे वो निर्गमित किए गए उसकी वैल्यू हम वहां पर लिखेंगे, और प्रीमियम अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया है वो हम लिखेंगे। तीसरी कंडीशन बनती है यदि नए अंश या फिर ऋण पत्र बट्टे पर निर्गमित किए हैं तो क्या प्रविष्टि की जाएगी, तो यहाँ पर एंट्री होगी डेबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या फिर डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर डेबेंचर है तो न्यू डेबेंचर अकाउंट। एंट्री हमको ध्यान रखना है किस प्रकार से हम करेंगे, डेबेंचर होल्डर अकाउंट के डेबिट में जो डेबेंचर को देय राशि बन रही है कैलकुलेट हो रही है वो लिखेंगे, डेबेंचर या शेयर का जब हम डिस्काउंट के लिए जब हम डेबिट एंट्री करेंगे तो जो भी निर्गमन पर बट्टे की राशि इश्यू करते समय जो भी डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है वो हम डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट में जो हमने लिखा है टू शेयर कैपिटल या न्यू डेबेंचर अकाउंट वहां पर जो उसकी फेस वैल्यू होगी जितने में वो निर्गमित हुआ है उसके अमाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों के जनरल प्रविष्टियां कीजिए। एक्स लिमिटेड ने 10% बट्टे पर निर्गमित किए ₹100 वाले 512% ऋण पत्रों का ₹100 वाले इक्विटी अंशों ₹9 प्रदत्त में सम परिवर्तन करके शोधन किया गया। दूसरा, वाई लिमिटेड ने 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए ₹100 वाले 750 12% ऋण पत्रों का ₹100 वाले इक्विटी अंशों पूर्ण प्रदत्त में सम परिवर्तन करके शोधन किया गया। तीसरा, जेड लिमिटेड 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए ₹100 वाले 510% ऋण पत्रों का ₹100 वाले 12% ऋण पत्रों में सम परिवर्तन करके शोधन किया गया। 12% ऋण पत्रों को सम परिवर्तित करके शोधन किया गया। यहाँ पर जो सम परिवर्तित के आधार पर पंजी प्रविष्टियां की जाएगी उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन में जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि 10% बट्टे पर निर्गमित ये अंश है, एक अंश ₹100 का है और टोटल 500 अंश है, तो यहाँ हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट बीइंग द अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। तो सिंपल एंट्री होगी यहाँ पे 500 शेयर है हमारे पास, एक शेयर जो है वो ₹100 का है तो 50,000 से इसकी एंट्री होगी, और क्योंकि इस पे 10% डिस्काउंट भी है तो 50,000 का 10% यानी कि 5,000 डिस्काउंट हो जाएगा, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचती है 45,000 वो डिबेंचर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगी। सेकेंड, जब हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर सम परिवर्तित करना है डेबेंचर्स को, कन्वर्सन करना है उसका, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो डेबेंचर है उनको हम इक्विटी शेयर में चेंज कर दे रहे हैं, और एक जो इक्विटी शेयर है वो ₹90 का है,
तो अब हमारे पास 500 शेयर हैं और इसको वन जो शेयर है वो 90 रुपीज का है, तो 500 × 90 यानी कि 45,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे और जनरल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग द इशू ऑफ 500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीस इच एट द रेट ऑफ 90 पेड अप ऑन कन्वर्जन ऑफ 500 डिबेंचर। उसके बाद सेकंड जो हम एंट्री करेंगे उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वाई लिमिटेड ने 10% बट्टे पर निर्गमित किए हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर है 750 रुपीस का एक है और इसकी जब एंट्री करेंगे तो नॉर्मल फर्स्ट जो एंट्री होगी वो हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो टोटल जो इसकी अमाउंट है 750 शेयर होल्डर्स हैं, तो टोटल इसकी जो अमाउंट है 750 शेयर्स है, 100 रुपीस का एक है तो 75,000 हो गया और डिस्काउंट इस पे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10% डिस्काउंट आ जाएगा जो कि 7,500 हो जाएगा और बैलेंस जो अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स में ट्रांसफर होगी वो हो जाएगी 75,000 माइनस 7,500 67,500 डिबेंचर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट। नरेशन यहाँ हम लिख सकते हैं, बीइंग द अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। इसके बाद क्योंकि ये जो डिबेंचर है 12% इनको हमको चेंज करना है इक्विटीज में और वो जो इक्विटी शेयर है वो 100 रुपीज का एक है, तो यहाँ पर क्योंकि टोटल जो हमारे पास शेयर है वो है 675 क्योंकि डिस्काउंट इनमें हमने माइनस कर दिया है तो टोटल क्योंकि बट्टे पर ये निर्गमित किए गए थे क्योंकि पूर्ण प्रदत्त दिया गया है उस पर हमको इसको संपरिवर्तित करना है तो ऑलरेडी 10% डिस्काउंट उसमें था और अब हमको क्योंकि उसको 90 रुपीज में कन्वर्जन का करना है और कुल मिलाकर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 750 शेयर है तो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेंगे। टोटल 750 शेयर्स को अगर हम 90 रुपीज में चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट हमारी आएगी वो हो जाएगी 67,500। एंट्री यहाँ पर होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड कंडीशन में जबकि जेड लिमिटेड 10% बट्टे पर अपने ऋण पत्रों को निर्गमित करता है, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, 500 डिबेंचर है और 10% ऋण पत्रों का 100 रुपए वाले 12% ऋण पत्रों में वो संपरिवर्तित करके उनका शोधन करता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि हालांकि 10% बट्टा कैलकुलेट किया गया था लेकिन अब जब वो संपरिवर्तित कर रहा है तो वो 100 रुपए वाले अंशों में कर रहा है। पूर्ण प्रदत्त अगर वो बोलता तो हम पहले जितना डिस्काउंट जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में किया था कट कर दिया था वैसे हम करते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 100 रुपए की वैल्यू बता दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल जो एंट्री करते हैं उसी तरह से हमारी एंट्री होगी। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और अमाउंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10% डिस्काउंट पे निर्गमित किए गए हैं। टोटल जो अमाउंट है वो है 500 × 100 यानी कि 50,000, तो 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 50,000। डिस्काउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि 50,000 पे 10% डिस्काउंट है तो 5,000 डिस्काउंट के अमाउंट हम लिख देंगे डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस जो 45,000 आता है उसको हम डाल देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट में। नेक्स्ट जबकि इनका इनको संपरिवर्तित करना है हमको 12% डिबेंचर में और 100 रुपीज का एक रहेगा तो इसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 12% डिबेंचर अकाउंट और यहाँ पर क्योंकि 500 शेयर है और एक शेयर 100 रुपीज में ही संपरिवर्तित करना है तो 50,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। एक्स लिमिटेड ने लॉटरी विधि द्वारा निकाल एक्स लिमिटेड ने लॉटरी द्वारा निकाल करके 100 रुपए वाले 212% ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से 31 दिसंबर 2001 को किया, जनरल प्रविष्टियां दीजिए। यहाँ पर क्योंकि हमने देखा था कि लॉटरी विधि से हमने शोधन किया है और इस कंडीशन में हमारी जो एंट्री होगी वो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट बीइंग द अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, तो 20,000 की अमाउंट बनती है क्योंकि 200 शेयर है, 100 रुपीज का एक है, 20,000 की अमाउंट बनती है और नॉर्मल जो एंट्री
डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए जो एंट्री होती है वो हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर 20,000 से। LCM कंपनी लिमिटेड ने अपने 500 रुपए प्रत्येक के 10,009% ऋण पत्रों को 400 रुपए प्रत्येक निरसन रद्द करने के लिए खरीदे आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां दीजिए। यहाँ पर अगर कोई डिबेंचर रद्द करने के लिए खरीदा जाता है तो किस प्रकार की जनरल एंट्री हम करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट बीइंग परचेस ऑफ इट्स ओन डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹480 ईच। और यहाँ हम देख रहे हैं कि डिबेंचर जो है 10 लाख है और एक डिबेंचर जो है 500 का है तो यहाँ पर 50 करोड़ रुपीज हम इसके अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्योंकि 480 पर रद्द करने के लिए खरीदे गए हैं तो टू बैंक यानी बैंक अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएगा ये 48 करोड़। और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अगर देखते हैं तो इनका डिफरेंस आता है 2 करोड़। तो इसके हम एंट्री यहाँ पर करेंगे और उसके बाद जो रिडेम्पशन पे जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2 करोड़ से हम इसकी एंट्री कर देंगे। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस 50 करोड़ का जो डिबेंचर है उसकी जो बैलेंस अमाउंट है उसको क्योंकि यहाँ पर रिडेम्पशन भी हमको करना पड़ेगा रद्द करने के लिए तो यहाँ हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 50 करोड़ से हम इसकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। निम्नलिखित प्रत्येक मामले में ऋण पत्र के शोधन के समय पर आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां दीजिए। पहला, एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के 5,009% ऋण पत्र सम मूल्य पर जारी किए तथा 5 वर्ष की समाप्ति पर पूंजी से सम मूल्य शोधनीय है। दूसरा, एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए के प्रत्येक 1,012% ऋण पत्र सम मूल्य पर जारी किए। ये ऋण पत्र 4 वर्ष के अंत में 10% प्रीमियम पर शोधनीय है। तीसरा, एक्स लिमिटेड ने 1,00,000 रुपए के अंकित मूल्य के 12% ऋण पत्र 5% प्रीमियम के साथ जारी किए जो 4 वर्ष के पश्चात प्रीमियम पर शोधनीय है। चौथा, एक्स लिमिटेड ने 1,00,000 रुपए के 12% ऋण पत्रों को 5% पट्टे के साथ निर्गमित किए जो 5% के वर्ष में जो 5% थे वर्ष के अंत में 5% प्रीमियम पर शोधनीय है। इस प्रश्न में 4 अलग-अलग परिस्थितियां दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको जनरल एंट्री करनी है। फर्स्ट कंडीशन में जबकि एक्स लिमिटेड के पास 100 रुपए का डिबेंचर है टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर 5,000 है और यहाँ पर हमको 5 वर्ष की समाप्ति पर जो शोधन हुआ है उसमें सम मूल्य पे हुआ है एट पार हुआ है तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में तो फर्स्ट कंडीशन में हम एंट्री करेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्योंकि यहाँ पर हमको केवल रिडेम्पशन की एंट्री करनी है तो केवल रिडेम्पशन की एंट्री हम कर रहे हैं। और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन अमाउंट ड्यू और कितनी अमाउंट ड्यू होगी क्योंकि 5,000 शेयर्स थे और एक शेयर जो है वो 100 रुपीज का है तो टोटल 5 लाख का की अमाउंट यहाँ पर ड्यू होगी डिबेंचर होल्डर्स के लिए। और दूसरा, जब हम इनको ये 5,000 पे करेंगे क्योंकि एट पार है सम मूल्य पर है तो किसी प्रकार का कोई प्रीमियम या डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर हमको करनी नहीं है तो सिंपल हमारी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर 5 लाख। सेकेंड कंडीशन में जबकि एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए के प्रत्येक 1,000 ऋण पत्र निर्गमित किए यहाँ पर दिया गया है कि ये जो ऋण पत्र है ये 4 वर्ष के अंत में 10% प्रीमियम पर शोधनीय है तो यहाँ पर क्योंकि 10% प्रीमियम है और रिडम्पशन के टाइम तो प्रीमियम को हम यहाँ पर जब हम ड्यू की एंट्री करेंगे तो उसमें हम उसको दर्शाएंगे तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट।
टोटल जो 10% डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में आएगा वो आएगा 1,000 × 200 यानी कि 1 लाख। प्रीमियम जो कैलकुलेट करेंगे वो हम इस 1 लाख पे 10% कैलकुलेट करेंगे 10,000, और टोटल जो अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स के क्रेडिट में आएगी वो हो जाएगी 1,10,000, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन मनी ड्यू। अब जबकि ये ड्यू अमाउंट हम पे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, तो यहाँ हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर 1,10,000 विद प्रीमियम हम यहाँ पर पे कर देंगे। थर्ड कंडीशन में जबकि जो डिबेंचर है उसका अंकित मूल्य बता दिया गया है 1 लाख है, और इसको हमको 5% और ये जब हमने निर्गमित किया था तो भी इस पे 5% प्रीमियम था, और अब 4 वर्ष के बाद इसका रिडेम्पशन किया जाना है, तो यहाँ हमारी फर्स्ट जो एंट्री हो जाएगी ड्यू की वो हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 1 लाख से ही, क्योंकि अंकित मूल्य पे थे ये शेयर्स, तो ये हो जाएगा 1 लाख। और जब डिबेंचर होल्डर्स को हम पे करेंगे तो भी नॉर्मल ही एंट्री होगी, क्योंकि शोधन में प्रीमियम या इस तरह की कोई एंट्री जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो हम ये मान लेंगे कि एट पार यानी सममूल्य पे ही शोधन हुआ है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख से फॉर पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर। यहाँ पर क्योंकि 5% प्रीमियम दिया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो जो 5% प्रीमियम है वो निर्गमन के समय का है, लेकिन क्योंकि प्रश्न में हमको निर्गमन के समय की कोई प्रविष्टि नहीं करनी है तो फिलहाल यहाँ पर हम 5% को इग्नोर करेंगे। फोर्थ जो एंट्री है वहां पर फोर्थ जो कंडीशन है वहां पर 1 लाख का डिबेंचर है 5% डिस्काउंट पे वो इशू किया गया है, और रिडेम्पशन जो था वो 5% प्रीमियम पे है, तो फिलहाल यहाँ पर हमको इशू की तो कोई एंट्री करनी नहीं है, रिडेम्पशन की एंट्री करनी है और उस पर प्रीमियम है। तो ड्यू करते समय हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे एंट्री जो होगी हमारी वो हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और डिबेंचर जो 1 लाख के हैं तो 1 लाख से डेबिट करेंगे हम इसको, 1 लाख पे 5% हम प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम प्रीमियम 5,000 से डेबिट करेंगे, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 1,05,000 लिखेंगे। और जब हम इनको पे करेंगे अमाउंट तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,05,000। तो आपने देखा कि किस प्रकार बट्टे की कंडीशन में कुछ नियम परिवर्तित हो जाते हैं। चौथी कंडीशन आपने देखी जिसमें हम ऋण पत्रों को नए अंश पत्र या नए ऋण पत्रों में परिवर्तित कर देते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार ऋण पत्रों के निर्गमन के बाद जब उनके शोधन की दशाएँ बनती है, उनके भुगतान की दशाएँ बनती है, तो कंपनी के पास कितने सारे ऑप्शन होते हैं, कितने सारे तरह से कितनी सारी विधियों का प्रयोग करके वो अपने ऋण पत्रधारियों को उनका उनकी जो हिस्से की राशि, उनकी जो ऋण की दी हुई राशि है, उनका वो भुगतान कर सकती है।